दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो के साथ आपके बीच में पेश होता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही निराला टॉपिक है और टॉपिक है कि सेल्स के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और मैंने ऐसे 5 रूल्स ढूंढे हैं। बैक टू बैक मैं आपको ये 5 रूल्स दूंगा, लेकिन आज पहले रूल के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे और अगले मंडे या तो इसके बाद का जो भी वीडियो मेरा आएगा उसमें सेकंड रूल, फिर थर्ड रूल, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ, ऐसे 5 रूल के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेल्स के ये 5 रूल क्या है, उसमें से पहला रूल क्या है, उस विषय में डिस्कस करें। दोस्तों एक छोटी सी बात, माइकल जॉर्डन को आप में से हार्डली कोई ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, बास्केटबॉल चैंपियन अमेरिका के और सुपरस्टार, जैसे अपने यहाँ पर हम लोग सचिन को गॉड मानते हैं क्रिकेट के, वैसे बास्केटबॉल के भगवान मानने वाले करोड़ों लोग हैं। अब जो लोग मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बास्केटबॉल यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज के अंदर बहुत फेमस गेम है वहाँ का। ये बास्केटबॉल चैंपियन माइकल जॉर्डन, उनका एक छोटा सा जो बात मैंने सुना था, एक एड मिला उनको। अब जैसे इस तरह के लोग होते हैं तो इनको क्या है ना, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के असाइनमेंट्स मिलते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट मिला और वो एडवर्टाइजमेंट था प्रोटीन पाउडर का। अब ये प्रोटीन पाउडर जो है 3 सीन शूट करने थे। पहला सीन था कि जिसके अंदर में माइकल जॉर्डन जो है वो बॉल को बास्केट के अंदर में फेंक रहे, और जब भी बास्केट में फेंक रहे तो पहले सीन के अंदर में बास्केट में बॉल नहीं जाना चाहिए। दिस इज फर्स्ट सीन। सेकेंड सीन है, वहां पर प्रोटीन का ग्लास भरा हुआ दूध पड़ा हुआ है और वो प्रोटीन से भरा हुआ ग्लास का दूध पी लेते हैं, ये दूसरा सीन। और तीसरे सीन के अंदर में प्रोटीन पाउडर पीने के बाद किस तरह से बॉल बास्केट में जाता है और फिर जैसे थ्रो करते हैं और वन शॉट के अंदर में वो बास्केट के अंदर में जाता है। दूसरे 3 सीन शूट करने थे। अब जो आदमी बास्केटबॉल चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, आप जरा सोच के देखिए कि उसको बॉल को रिंग के अंदर में डालना, इट्स वेरी सिंपल। 3 सीन में से जो पहला सीन था कि जिसके अंदर में बास्केट में बॉल नहीं जाना चाहिए, वो रिंग को टच करके बाहर आना चाहिए, ये पहला सीन शूट करने के लिए कहा जाता है 56 रिटेक लगे, 56 रिटेक लगे। 56 दफे वो बॉल फेंक रहे हैं, रिंग को टच करके वो बॉल वापिस आ रहा है। ऐसा एक बार में करना था लेकिन उनको 56 दफे करना पड़ा, क्योंकि 56 दफे वो जैसे बॉल लेते थे, डालते थे, उनका इरादा था कि बॉल को बास्केट में नहीं डालना, फिर भी वो उसके अंदर में चला जाता था। चलो मैं आपको पूछता हूं, अगर यही एड आपको अगर करनी है तो आपको 56 रिटेक लगेंगे बॉल को बास्केट में डालने के लिए। आपका पहले ही रिटेक के अंदर में आपका सीन क्लोज हो जाएगा कि जहां पर आपको बॉल को बास्केट के अंदर में नहीं डालना है। दोस्तों ये कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और जब भी याद रखना, बास्केटबॉल गेम्स खेलना शुरू किया होगा, पहला दिन होगा, वो फर्स्ट डे के अंदर में उसको शायद 56 रिटेक लगे होंगे, तब जाके बॉल बास्केट के अंदर में गिरा होगा। सेल्स का सबसे पहला रूल आता है एंड दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहां पर मैं देखता हूं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छी तरह से काफी टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे सारे कोर्सेस करके गए हुए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कहां पर कम पड़ रहे। बहुत सारी चीजें सीखी आपने, बहुत सारी चीजें समझी आपने, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिस के अंदर में हम लोग कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। पहली बार शायद ये हो सकता है कि आप जो भी सेल्स करने के लिए आप निकले हैं, पहली बार आपको शायद 56 दफे उसको समझाना पड़े, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस में आ गए, एक बार आप रिदम में अगर आ गए, तो उसके बाद शायद किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठोगे, 5 मिनट के अंदर में आप आपके प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बट मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो है सेल्स के अंदर में ये प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है तो हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपने प्रैक्टिस करना अगर छोड़ दिया तो रिजल्ट कब आने की संभावना आपको लग रही है? एक बात पक्की है
कि मैं अगर प्रैक्टिस को चालू रखूंगा, आज अगर मेरे को सेल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस मुझे इतनी करनी पड़ेगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज शायद किसी को आपको 56 दफ़े मिलना पड़े, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप खाली बैठे हैं और कोई पास में आके बैठा और आप आपके प्रोडक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, और हो सकता है आप बेचने का इरादा तक नहीं रखते हो, लेकिन वो सामने वाली व्यक्ति आपको बोलेगा कि यस आई वॉन्ट टू बाई योर प्रोडक्ट। सेल्स जो है, ऐसे टोटल 5 नियम है दोस्तों। मैं पहले रूल्स के ऊपर आया हूँ, आज का रूल मेरा है प्रैक्टिस के ऊपर। जितना हो सके उतना कोशिश करो, और आप हर मंडे को अगर एक एक वीडियो मेरी देख रहे हो तो आपको अगले 5 मंडे तक ब्रेक नहीं लेना है। इवन मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर उसको भी आप अगर चेक करोगे, बहुत बार जो भी नए जो दोस्त हमारे साथ में जुड़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, नए नए वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन मेरे पास्ट वीडियो में से बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिलेगी। आप ज़रूर उसको देखिए, उसको वॉच कीजिए, और जब भी मेरे वीडियोज़ आप देख रहे हैं कुछ नोटपैड बनाइए, कुछ उसकी पॉइंट्स नोट कीजिए, और नोट करने के बाद में उस विषय के ऊपर में वर्क करना शुरू कीजिए। अच्छा लगता है कि इस तरह से आप लोगों के बीच में रूबरू होता हूँ, और जब भी कुछ बातें लेके आता हूँ बहुत सारे लोगों के अच्छे कॉमेंट आते हैं कि मुकेश भाई आपके वीडियो के माध्यम से, इवन अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम फलाने प्रांत से हैं और आपकी वजह से हमारा सेल्स बढ़ा है। सो अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं बड़ी डिसिप्लिन के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ, हर मंडे एक वीडियो के साथ आपके बीच में पेश होता हूँ। अब तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक बात, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप आपके दोस्तों तक उसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपके बच्चों को भी बोलोगे कि इसको फॉरवर्ड करना है मेरे दोस्तों के ग्रुप में, कैसे करना आपके बच्चे भी शायद आपको बता देंगे। और नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो जो आज मैंने बात कही वो प्रैक्टिस की कही, और इसी तरह से अगले 4 वीडियो के अंदर में मैं सेल्स के अलग अलग रूल्स आपको समझाऊंगा। आज का रूल प्रैक्टिस है, तो एक हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चाहे मुझे रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, चाहे मेरा बॉल जो है बास्केट में जाए या ना जाए, मेरा बॉल मुझे बास्केट में डालना है इस विषय से शुरू कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको बास्केट में बॉल नहीं डालना है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे माइकल जॉर्डन ने की। दोस्तों मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो मुझे याद है कि उस समय पे उसके अंदर में लिखा था कि जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, जो कैमरामैन थे, वो इतने अपसेट हो गए थे कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि माइकल जॉर्डन जैसा आदमी जो बॉल को रिंग में नहीं डालना है उसके लिए 56 रीटेक लेगा हमसे, और बोले इतना सुपरस्टार आदमी है तो इसको तो हम जाके ये तो नहीं बता सकते, उसके ऊपर हम चिढ़ नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। तो किस तरह से उसको टैकल किया गया था, उसको उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर में विस्तार से लिखा गया था। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए मैं आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी तरह से मेरी बात को आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रैक्टिस लास्ट 20 ईयर्स से, लास्ट 20 साल से आज मैं ट्रेनिंग के अंदर में हूँ। पिछले 20 साल से लगातार इतनी ट्रेनिंग मैंने दी है कि मेरी बात जो भी मुझे आप तक पहुँचानी है बड़ी आसानी से शॉर्ट पीरियड के अंदर में मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा देता हूं। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते सेल्स के और दूसरे रूल्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।